देखो एक्सरसाइज है 6F और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, सारा क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 6F का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। एक मोनोमियल फंक्शन है, मोनोमियल फंक्शन के बारे में पहले भी बता चुके हैं, जब अकेला हो तो मोनोमियल, अकेला हो तो बाइनोमियल, त्रिकेला हो तो ट्राइनोमियल, है ना, चार होगा तो क्वाड्रोमियल। तो यहाँ पर फंक्शन को हम देखें और इसमें से बोला कॉमन चीज निकालने के लिए, इससे आसान कुछ नहीं होगा तुम लोगों के लिए। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एकदम ब्रेक करके बना देते क्वेश्चन को, इसको लिखेंगे हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई का वाई। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बात करते हैं एक्स वाई क्यू का, तो एक्स को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई वाई, क्यू को लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। ध्यान से देखना, जो दोनों के पास होता है वही कॉमन होता है। दोनों के पास क्या है, दो वाई है और एक एक एक्स है, ये कॉमन फैक्टर इसका हो गया। तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, यहां से दिखा दोनों के पास था x, यहां से दिखा y इन टू वाई, क्या बोलेगा लोग y स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में जो बोला जा रहा है 2x स्क्वायर वाई कॉमा 14x वाई स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या होगा, ध्यान से समझना। हम लोग सबसे पहले करते हैं इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई को 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, जबकि 14 को 14x वाई स्क्वायर को क्या लिखेगा लोग, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स और वाई स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। फिर वही बात लिखेंगे क्या चीज, कॉमन फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर वाई कॉमा 14x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो दोनों के पास है, दोनों के पास वाई भी है, दोनों के पास 2 भी है और दोनों के पास x भी है, जो सबके पास है वही कॉमन लेना, ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा सोचना, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, 2x और y, 2x और y दोनों में है तो 2xy कॉमन फैक्टर होगा, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे हम लोग थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 5x स्क्वायर वाई क्यू कॉमा माइनस 15x टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 कॉमा 20x क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सीख गया लिखना, ये सब कहानी है मम्मी का, तो ज्यादा हमने लिख लिया। तो सॉल्यूशन में 5x स्क्वायर वाई क्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स, अगर तुम लोग बुद्धिमान होता तो कैसे बनाता, मैक्सिमम चीज को ढूंढ लो जो सबके पास है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मैक्सिमम पर गया तो गलती, एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 एक्स क्यू है, तो कम से कम एक्स स्क्वायर तो सबके पास है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ही, 5 की टेबल में 5 भी आता, 5 की टेबल में 15 भी आता, 5 की टेबल में 20 भी आता, तो 5 भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है। और वाई का बात करते थे, देखो वाई सबसे गरीब खातून है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा ब्रेक करके बनाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई एक्स, जबकि वाई क्यू को लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई y माइनस 15 x पर पावर 4 y पर पावर 4, हाँ बच्चा कंफ्यूज में रहता था, कंफ्यूजन माइनस का है तो चलो माइनस 1 कर देते हैं फैक्टर, माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 3 15 तो 3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है, उड़ गया ना ये चीज, ऐसे करके भी कर लेना तुम लोग, ऐसे भी कर दे कि कर सकते हो 3 5 15, ठीक है, फिर लगा देगा 5 एकम का 5, x पर पावर 4 भी लिखेंगे हम लोग, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, एक का बर्बादी बस और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई वाई पर पावर 4 को वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, चार आ गई। अब देखो यहाँ पर 20 एक्स क्यू वाई स्क्वायर है तो 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू मल्टीप्लाई टू दूनी चार, चार पंच 20, तो दूनी का चार, चार पंच का 20, ऐसे फैक्टर कर लिए, एक्स क्यू को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स तीन बार, वाई स्क्वायर दो बार, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब देखो कम से कम y किसके, कम पहले x का बात करते, कम से कम x किसके पास है, कॉम x किसके पास है, यहाँ इसके पास है ना कॉम x वाला, तो कॉम वाला छांट लेंगे। अगर हम बात करते इसके फैक्टर का, ठीक है तुम लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, हेंस कॉमन फैक्टर ऑफ फलाना कॉमा ठिकाना कॉमा चिलाना इज इक्वल टू, अब दोनों के पास देखो बात करते हम लोग इसका डिजिट का, कॉन्स्टेंट डिजिट का, तो 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, इसके पास माइनस एक नहीं, इसके पास क्या नहीं, दो नहीं, तो क्या ले सकते हैं कॉमन, 5 5 और 5 सबसे ले सकते, पहला बात तो 5 कॉमन ले सकते, ठीक है। उसके बाद देखो अब कॉमन क्या ले सकते, ध्यान से देखते जाना, x x दो को x x x इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी, कम से कम बोला तो x स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है यार। और दूसरा y का बात करते हैं तो y कितना पीस है, y कितना पीस है, y स्क्वायर कुछ बोल रहा है,
वाई लास्ट में दो बार होगा, तीन बार। अच्छा हाँ ये दो बार होगा, ठीक बिल्कुल सही बोला, ये दो बार होगा, दो ही बार, ठीक है। तो समझ में आएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हम बता दिए हैं कि ऐसे होता है, अगर तुम लोग के पास कॉमन सेंस है तो तुम लोग अपना कॉमन चीज अप्लाई करके कॉमन पार्ट को खोज सकते हो। कॉमन पार्ट बोले तो बोले ना, कम से कम एक्स कितना छाट सकते हैं, कम से कम वाई कितना छाट सकते हैं, कम से कम मैथमेटिकल डिजिट यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म कितना छाट सकते हैं। तो सबके पास पांच दिखा तो पांच छाट सकते हैं, सबके पास वाई स्क्वायर कम से कम तो था तो वाई स्क्वायर छाट सकते हैं, सबके पास कम से कम क्या था एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर छाट सकते, वो आंसर हो गया है ना। अगला क्वेश्चन नंबर इसका फोर जो कि लास्ट होगा, वन का फोर जो है वो है 6x² 15xy² डिपेंड करता है कि हम कब कितना क्लियर करके क्वेश्चन को बनाएंगे, वो डिपेंड करता है मार्क्स पे। ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो इतना कहानी कहेंगे, नहीं कहेंगे कहानी, तुरंत बना लेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन, अरे वाह सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 6x² को लोग सब लिखता है 2×3 x, क्लियर है। जबकि बात करता है 15xy² को लोग सब क्या लिखेगा, तो 3×5 x y² को y मल्टीप्लाई का y लिखेगा। 18xy² है तो 18 को क्या लिख रहा है 2×3 हम तो समझ जाते, जो नहीं समझता इसे लिख लेना, तोड़ लेना बगल में रॉक करके, 2×18 3×3 9 हुआ ना। तो 2×3×3 x² को लिखेंगे क्या चीज, x मल्टीप्लाई y। अपना कॉमन सेंस क्या बोलता है देखो ना, बिना बनाया अगर बनाना होता कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 3a दोनों के 3 के टेबल में दोनों चीज आता है, 15 भी आता है और 18 भी आता है, दोनों आता है 3 के टेबल में, और कम से कम x इसके पास है और कम से कम y क्या है इसके पास है, यानी xy कॉमन आ जाए, समझ में आ गया। हां आराम से आंसर हो गया, यानी कि बोलेंगे 3xy आंसर, 3xy आंसर आएगा, देख लेना। तो बात करेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर का, ये सब कहानी जो है वो सब तुम लोग लिख लेना, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यही सब क्वेश्चन वाला बात इन पहचाने के लिए, ठीक है। यहां से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 3 इसके पास 3 इसके पास और 3 भी इसके पास है, इसके अलावा और कोई भी चीज जो सबके पास जो हो वो नहीं है तो 3 है। और बात दूसरा का बात करते हैं तो x इसके पास भी लेकिन बात करते हैं x का, तो इसके पास इकलौता x, इसके पास इकलौता x, इकलौते लेंगे, ठीक है, x इकलौता ले लिए। y का बात करते हैं इसके पास तो y है ये नहीं है, हम ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन में, ध्यान नहीं दिए कि इसके पास तो y है ही नहीं, y तो कॉमन आ ही नहीं सकता है, y आ सकता है कॉमन कभी, क्या नहीं आ सकता, इसके पास तो y है ही नहीं है, तो y कॉमन ले पाएंगे क्या, नहीं, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3x। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 2, फैक्टोराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टोराइज करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत मजा आने वाला है अगला क्वेश्चन में, जैसे जैसे पढ़ेंगे मजा ज्यादा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 5a+10 इसको करना है हम लोग को फैक्टोराइज करना है, इस एक्सप्रेशन को कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इस 5a को लिखेगा लोग 5 मल्टीप्लाई लिखेगा कि नहीं लिखेगा, क्या 10 को लिख सकता आदमी सब, 5×2 अब दोनों के पास क्या है छीनने के लिए 5, यहां से बच गया क्या ए प्लस, यहां से 2 और यही आंसर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखे क्या है कि 14x²-7x⁵ अब इसमें से भी हम लोग क्या सोच सकते थे, कुछ ब्रेक करना सीख लो, 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2×7 लिख सकते हैं, x² को x मल्टीप्लाई x मान करेगा ऐसा तोड़ लेना, और 7 को लिख देंगे हम लोग 7×(x⁵) को x मल्टीप्लाई x। हालांकि लिखने का जरूरत इतना नहीं था, जो सीख जाता उसको इतना जरूरत नहीं होता लिखने का, हम सिखाने के लिए बोल रहे हैं, कॉमन लेने का ले सकते थे हम x² कॉमन, ठीक है। देखो दोनों के पास क्या था 7 था तो 7 ले लिया कॉमन, दोनों के पास कम से कम 2x था तो x² हम ले सकते हैं कॉमन, अच्छा ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हो, तो वही तो बात हम बोले, जिसको आता है वो तो ऐसे भी कर सकता है, नहीं तो जनरली हम लोग ऐसे ब्रेक करके बता दिए हैं कि सहूलियत होगा जो बुड़बक बच्चा उसके लिए, तो x हम कॉमन ले सकते हैं, कम से कम x×x² कॉमन हो जाएगा और बुड़बक जो छोड़ देगा बचेगा क्या, यहाँ से 2 बचेगा ना, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा और माइनस का यहाँ से क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा और क्या बच जाएगा x³ बच जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसी के फॉर्म में आंसर थोड़ा है, नहीं तो और भी ब्रेक करने का तरीका तोड़ सकते हैं और भी तरीके से इसको, इस फॉर्म में अगर आंसर नहीं छोड़ा होगा तो हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में और तब भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3, देख लो एक नजर आंसर यही फॉर्म में छोड़ा है या थोड़ा नहीं छोड़ा है, किस फॉर्म में छोड़ा है, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा, बात सही बोल रहा है, 7 तो निकल गया था इस्तेमाल करते हुए, देखो कम से कम दोनों के पास एन कितना पीस,
एम स्क्वायर टाइम्स तो होगा ना कम से कम, इसके पावर तीन, इसके पावर क्या है दो, एम कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से देखना एक एम बच गया माइनस का, यहाँ से क्या बच जाता है, यहाँ से 16 बच जाता है, एम स्क्वायर ले चुके हैं, बच गया यहाँ से कितना एम, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, 18x²y³ - 21xq² + 30 x पर पावर 4 और y पर पावर कुछ नहीं। तो अब तुम लोग होशियार बन चुके हो तो ध्यान से देख लेना, 18, 21 और 30 किसके टेबल में आता है, तीनों वो 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही। तो 3 ले लेंगे कॉमन, x देखो सबसे गरीबा किसके पास, x है इसके पास है ना, तो x स्क्वायर गरीबा है खींच लिए, y सबसे गरीबा किसके पास है, इसी के पास में, तो सिर्फ अकेला y छीन लिया इससे। अब 3 के टेबल में 3 कितना टाइम्स आता है, 6 टाइम आता है ना, 6 टाइम्स आता है। अब देखो एक्स स्क्वायर तो छीना गया इसके पास, और तीन वाई में से एक वाई छीन लिए, तो क्या वाई, वाई पर पावर 2 बच गया। 3 के टेबल में 21 कितना टाइम्स आता है, 7 टाइम्स, माइनस का है तो माइनस का साइन दे दिए, और यहां से एक्स स्क्वायर छीन चुके हैं तो 3 में से क्या एक्स बच गया, अकेला एक्स, एक्स स्क्वायर में से सॉरी वाई स्क्वायर में से एक वाई छीन चुके, क्या वाई बच गया, अकेला वाई, समझ में आ गया। प्लस तो प्लस 7, 3 के टेबल में 30 कितना टाइम्स आता है, 10 टाइम्स, 10, और एक्स स्क्वायर ना खींच लिए है तो यहाँ पर 4 था, तो क्या बचेगा, एक्स पर पावर 2 बचेगा, वाई को ऑलरेडी छीना चुका है तो वाई तो बचेगा ही नहीं, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर कहलाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब थर्ड। इसमें क्या करना है, फैक्टोराइज करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फैक्टोराइज करना है वाई इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको देखो फैक्टोराइज करना है तो लग रहा है कि परोस के दे दिया है, खाना परोस के दे दिया है, बस खाना बाकी है, x प्लस 3 दोनों के पास अवेलेबल है, x प्लस 3 कॉमन ले लिए, सिंपल सा बात है, यहाँ से y, यहाँ से प्लस का 3 बच जाता है y और प्लस का 3, इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2, इसका 3 का 2 जो है, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा नहीं परोस के दिया है, बस बनाकर रख दिया है, अलग अलग बर्तन में अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, mx प्लस ny माइनस nx माइनस का my, इसमें थोड़ा हम लोग को भेजा लगाना पड़ेगा, नहीं भी ज्यादा लगाएंगे तभी चलेगा। ध्यान देखो mx x वाला ढूंढते mx nx ny my, x वाला x के साथ y वाला y के साथ, इसको लिख लेते हैं हम क्या चीज, mx माइनस nx माइनस nx, क्लियर है, इकट्ठा रख लिए, ठीक है। अब रख लिए क्या चीज, प्लस का ny माइनस का my, इकट्ठा रख लिए, समझ में आ गया तक। अब ध्यान से देखो दोनों के पास क्या है, x है ना, दोनों के पास कॉमन, तो यहां से बच गया m माइनस का n। अब इस दोनों में दोनों के पास क्या है, y है, क्या बच गया यहां से, n माइनस m। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा भेजा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म सेम अभी नहीं दिख रहा है, फिलहाल सेम दिखाने के लिए हम लोग माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो ध्यान समझना, माइनस एम जो है वो प्लस एम में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस एन जो था वो प्लस एन जो था वो माइनस एन में कन्वर्ट हो गया। अब बेनिफिट हो गया कि ये टर्म सेम दिखने लगा, तो हम लोग एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स माइनस वाई बच जाता है, और यही आंसर हो जाता है, गाना बजा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 7a × 3x + 2 - 8b × 3x + 2। फिर दे दिया परोस करके क्वेश्चन, सब चीज देखो ये टर्म सेम है, तो हम लोग 3x + 2 कॉमन जैसे ही लेंगे, उगिल के लिख देगा ये बात कि 7a - 8b, और यही आंसर है। तो सब शुरू होने से पहले खत्म होने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फोर देखेगा, ये भी शुरू होने से पहले खत्म, 4 × p - 4q - 8a × p - 4q। फिर से तुम लोग को दिख रहा है ये टर्म सेम है, तो सबसे पहला काम सेम टर्म को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और मेरे पास बच जाता है यहाँ से 4 और माइनस का 8a, और मन करेगा इसको लिखा होगा, इसे भी लिख सकता है, तो ध्यान समझना इसको ऐसे भी लिख सकता है आंसर, कि देखो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं ना, तो आंसर ऐसे भी लिख सकता है, 4 कॉमन लेकर के इसमें क्या लिख दिया होगा, 1 - 2a, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बच गया कौन पी माइनस का 4q, तो जहां पे आंसर छोड़े कोई दिक्कत नहीं, यहां कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो सकता है, इस क्वेश्चन को फिर से हम डील करके बता रहे ढंग से, यहाँ पर देखना हम लोग के पास है mx माइनस का क्वेश्चन जो था पहले वो लिख लेते हैं, प्लस का ny माइनस का nx माइनस का my, है ना, तो हम बोले x x वाला को एक जगह रख लेना, तो जैसे mx माइनस का nx इकट्ठा रख लिए, तो यहाँ से हम लोग के पास बच जाता है प्लस ny और माइनस का my, क्लियर है। अभी दोनों में से हम बोले कि x कॉमन दिख रहा था, दोनों में x कॉमन दिख रहा था, x कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया m माइनस का n, हाँ ना, यह टर्म ना यहाँ आना चाहिए कॉमन लेने के लिए, तो ध्यान हम दूसरा तरीका सोच सकते थे, ये टर्म जो आया ना यही टर्म यहाँ भी लिख लेते, पहले से आगा ही लिख लिए कि m माइनस n आएगा,
इसको देखो, इसमें डिमांड क्या चीज है, m के साथ क्या है y का है, और चिन्ह क्या चीज का है, निगेटिव का है, यानी माइनस का। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का y से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना माइनस माई होगा, नहीं होगा माइनस माइनस प्लस नहीं होगा n y, ठीक है। तो अब देखो तुम ध्यान से, m माइनस n, m माइनस n दोनों के पास था, m माइनस n कॉमन ले लिया तो हम गिन के आया x माइनस y, अब मिला सकते दोनों आंसर सेम आया होगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसॉल्व इनटू फैक्टर बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। इसको सॉल्व करना है, देखा रिसॉल्व सॉल्व किया गया है, इसको फिर से सॉल्व करना है और कॉमन फैक्टर बाहर गिर बोल के फेंकना है लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर प्लस का 2p² q है ना क्वेश्चन, तो इसमें से तुम लोग का भेजा क्या बोलता है कि पी स्क्वायर दोनों के पास है तो भेजवा दे इसको बाहर, तो पी स्क्वायर को बाहर भेजवा दिए, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा था, सबका मालिक एक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, वन, क्या बच गया, वन, और प्लस का ध्यान से देखना यहाँ से क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा ना, और क्यू बच जाएगा, तो यही तुम्हारा आंसर कहलाएगा। कितना आसान था, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो जो है 5a² माइनस का 25a² b है। अब देखो 5 के टेबल में 5 खुद तो आता ही है, 25 को भी लेके आता है, 5 बार तक लेके आ जाता है, इसमें से हम लोग 5 ले सकते हैं कॉमन, a² दोनों के पास, तो a² भी ले सकते हैं कॉमन, यहां से कुछ बचा ही नहीं, तो सबका मालिक बोले थे एक, माइनस 25, 5 के पहाड़ में 5 ही मरतबे आ गया, ए स्क्वायर छीना गया इसके बाद, बच गया बी, यही हो गया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो है 3x³ + 6a² x² माइनस का 3aq x, तो जो बच्चा बैठ के आंसर मिलाते रहना ना। चलो यहाँ देखो 3 सबके पास, 3 के टेबल में 3 भी आता, 3 के टेबल में 6 भी आता, तो सबसे पहला तो हम लोग का काम है कि 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तक अब ध्यान से देखना, x इसके पास है, x इसके पास है, x इसके पास भी है, गरीबहा किसके पास है, गरीबहा तो इसके पास है, गरीबहा तो इसके पास है, ए इसके पास नहीं है, ए इसके पास है, इसके पास है, ए कभी ले पाएंगे, ए चंदा चुटकी लिया जाता है, देख दख्त की कैसे आदमी है, कौन देगा कौन नहीं, अगर सब नहीं दे सकता जितना वैल्यू का उतना चंदा नहीं रखा जाता, सब दे सकता था क्या, एक दे सकता था, तो दिया नहीं था, कहां से देगा, यहां से बच गया क्या चीज, एक्स ले चुका था, 3 को था पावर में, एगो ले गया पावर, तो बच गया क्या चीज, एक्स, समझ में आ गया। अब देखो यहां से एक्स कॉमन ले लिया था, और 6 जो आता है 3 के टेबल में 2 मरतबे आ जाता है, 2 टाइम्स आता है ना रे, और यहां से कॉमन ए तो नहीं ले पाया था, तो ए स्क्वायर आई जीटी रह गया, जबकि एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स ले चुका था, तो एगो एक्स बच गया है ना, 3 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स आता है, निगेटिव का साइन लेकर आया था, तो निगेटिव का साइन 3 छीना गया था, देखो ना छीना गया, 3 छीन लिया था ना, एक्स भी छीन लिया ना, बच गया इसके पास क्या बचा, क्या बच गया, और तुम्हारा आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसका 4, क्या है क्वेश्चन, 7p² - 7pq + 14p⁴। अब देखो सबके पास 7 होगा, 14 के पास भी तो 7 होगा, 7 के टेबल 14 आता है, तो 7 तो कॉमन सबसे पहले ले लिया, सबसे गरीबा p इसके पास था, तो p² भी चेंज हो गई, इसके पास कुछ बचा क्या, एक बचा ना खर्चने को, एक यहाँ पर माइनस का ठीक है यहाँ पर। अब देखो p² छीन चुके थे, 7 भी छीन चुके थे, पावर में 3 था, देखो p रहेगा ना अभी भी, हाँ p के खड़ा है, और 7 के टेबल 14 कितना टाइम रहता है, 2 टाइम्स आता है, 2 प्लस का साइन फिर प्लस का लिख के लिख दिया, और 4 में से 2 को छीन के ले गया, तो बच गया क्या, हाँ तो यही ना आंसर है ना, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4b⁵5, 4 × b⁵5 + 6a²bq - 2b²। अब तुम इसमें देखोगे तो कॉमन तुम लोग को क्या दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 2 खुद आता है, तो कम से कम 2 तो ले सकते हैं कॉमन, b इसके पास भी, गरीबा किसके पास, गरीब कौन किसके पास, इसके पास, देखिए अब देखो यहाँ पर 2 ले लिए, पावर वाला 2 ले लिए, तो क्या बच गया, 3, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया पावर में ना, और देखो 4 था तो 2 छीन लिए, तो क्या बच गया, 2 तो बचा, 2 दूनी 4, ऐसे चेक भी करना, 2 × 4 b⁵5 पूरे गया ना, सही किया कॉमन। अब देखो यहाँ से 6 आता है ना 2 के टेबल में, कितना टाइम पता है, 3 टाइम, तो 3 ठीक है, b² छीन चुके हैं, b², लेकिन a² तो छीने भी नहीं किया, तो a² तो एज इट इज रहने दिए, और यहाँ पर b² छीन लिए 3 में से, तो अकेला b बचेगा ना, माइनस तो रहेगा ना, माइनस थोड़ी छीन ले गए थे, 2 छीन लिए थे, माइनस छोड़ दिए थे, और b² भी छीन लिए थे, तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 तो बचेगा ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दिमाग बैठा एकदम फिक्स, 2a + 4b - 8c + 10d, सब क्वेश्चन है बेकार, यहाँ 2 के टेबल में 100 आता है, 2 तो कम से कम कॉमन, और सब तो कॉमन थोड़ी ले पाएंगे, सबके पास ना ए है ना, सबके पास बी है ना, सबके पास सी है ना, सबके पास डी है, तो कम से कम 2 कॉमन, ध्यान से बच गया बेचारे के पास ए, प्लस 2 के टेबल में 4 कितना टाइम, 2 टाइम से 2, और बी तो बी, माइनस 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 माइनस
कितना टाइम्स, 2 के टर्म में 4 टाइम्स, और c को c, 2 के टर्म में कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 5, और b तो b, और ये आंसर देख लेना, यही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, इसमें क्या है, 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, कितना चैप्टर्स के दिया है क्वेश्चन, ध्यान से देखेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना दोनों के पास, तो हम लोग तो कम से कम ए प्लस बी कॉमन लेकर के खुश रहेंगे, ठीक है ना। और यहां से देखो बचा लिए हम लोग क्या, 3 को बचा लिए, पावर में 2 था तो एक बार तो अभी बचा लिए, ए प्लस बी एक और बार बचा लिए, समझ में आया कि नहीं, ये बात समझा कि नहीं, बोलो जल्दी से, स्क्वायर था तो एक बार निकल गया, एक बार तो बचा ना, यहाँ से 3 तो नहीं छीने तो 3 रह गया, माइनस बी रह गया, माइनस नहीं छीने, फिर 2 भी नहीं छीने, 2 भी रह गया, और ए प्लस बी बेचारा के पास था, एक के गोबर छीन लिए, तो क्या बच गए थे, 2 के पास बचा, समझा नहीं समझा, मन किया होगा, इतने आंसर छोड़ दिया होगा, नहीं छोड़ा होगा तो निकाल निकाल के भेज दिया होगा, ये लिख दिया होगा कि ए प्लस बी और 3 ए प्लस का 3 बी माइनस का 2, इतने ऊपर छोड़ दिया होगा, रेडीमेड का जमाना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना वो है माइनस का 56, सी पर पावर 7, एक्स पर पावर 10 प्लस 42, सी पर पावर 5, एक्स पर पावर 15 माइनस 70, सी पर पावर 4, एक्स पर पावर है 20, है ना ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो 7 के टेबल में सॉल्व आने वाला है, एक और तरीका सीख लेना जीवन में कॉमन लेने का, जो जो भर दिया सब का निकाल लेना तुम लोग, एच सी एफ, जो एच सी एफ होगा वही कॉमन होगा, ठीक है। तो 7 के टेबल में आएगा ना, 7 कॉमन ले लिए, ध्यान समझना, सी इसके पास भी, सी इसके पास भी, सी इसके पास, गरीब हाथ किसके पास, ऊपर तक कब्जा कर लीजिए, समझा, एक्स इसके पास, एक्स इसके पास, एक्स, गरीब हाथ किसके पास, समझ में आ गया, इसके पास एक्स बचा क्या, ना बचा, सी बचा ना, क्या को बचा, 4 को ले ली तो 3 को बचा ना, सी पर पावर 3 बचा ना, और 7 के टेबल में 56 8 टाइम्स होता है, 8 × 56 माइनस 8, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब देखो प्लस 7 के बारे में कह मर तो 42, 7 × 6 = 42, 6 × तो क्या था 42, पक्का सी और हो ना, सी और ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो सी पर पावर 4 छीन लिए तो सी पर पावर अकेला बचेगा, एक बचेगा, 15 में से 10 छीन लिए, क्या बच गया, 5 बच गया, समझ आया। और ये कितना टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है ना, अभी देखो तुम लोग का पोल खुलेगा दिमाग, क्या लिया, सी पर पावर 4 छीन लिए, देखो सी पर पावर 4 हम लोग छीन लिए, सी पर पावर x क्या था, सॉरी x पर पावर क्या था, 10 था, 20 में से तो क्या बच गया, यहां से 10 से यहां तक समझ में आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, ये देखो तो ये 2 के टेबल में भी आता है, आता है सारा, तो 2 भी कॉमन ले सकते थे, यानी कि 7 × 2 = 14 हम लोग कॉमन ले सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा उसका आधा, ये क्या हो जाएगा उसका आधा, ये क्या हो जाएगा उसका, समझ में आ गया, और यही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा पहले जो था वही आंसर था, यहाँ पे, यहाँ, 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 अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपना भी सही है, ठीक है। हम लोग माइनस कॉमन नहीं लिए हैं, प्लस का कॉमन लिए हैं, तो जो माइनस था माइनस ही में रह गया, जो प्लस था प्लस ही में रह गया, और पहले वाला आंसर देखो याद रखना 14 × 12 में आता है, 14 × 42, 14 × 6 = 56, 14 × 5 = 70, कहने नहीं हूँ कौन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में है 21x²y²−42xqy²+14xy, है ना। अब देखो तुम ध्यान से, ये 7 के टेबल में आता है, 7 × 2 = 14, 7 × 21 = 28, 7 × 35 = 7 × 42 = 7, और 7 × 21 आता है ना 7 के टेबल में, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 तो कॉमन सबसे ले सकते हैं, कम से कम गरीबा x इसके पास है ना, और गरीबा y इसी के पास है, और नहीं ना है, 7 के टेबल में x कितना बार तक आ जाता है, 3, पावर में 2 था तो अकेला x बच गया, पावर में 3 था एक को छीना गया तो बच गया 2, ठीक है। 7 के टेबल में 42, 6 बार तक आता तो 6 लिख दिया, x छीना गया 3 में से तो बच गया x², 2 में से एक y चला गया तो अकेला y बच गया, प्लस का 7 के टेबल में 7 × 2 = 14, तो 2 हो गया, एक्स वाई छीना गया तो सिर्फ 2 हो गया, आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, ठीक है, जिसको इसमें कंफ्यूजन है देख लेंगे फिर से, टेंशन नहीं लेना है, कोई पड़ेगा चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, अगला क्वेश्चन देखेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 85 m²⁵ n²⁴ −34 n³ + 17 m²n², सही ना क्वेश्चन। अब तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान देना मतलब कान देना, यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा 17 के पहाड़े में 100 आने वाला, 17 × 2 = 34 और 17 × 5 = 85, तो 17 तो कॉमन ले लिए, छीन लिए, सबसे गरीब है m किसके पास, गरीब है m को, जो आराम से जुड़ा जाएगा क्वेश्चन, m², n सबसे गरीब है ना, n²। अब देखो 17 × 5 = 85 होता है, और 5 में से 2 छीन लिए तो पावर में क्या बच गया 3, 4 में से 2 छीन लिए पावर में क्या बच गया 2, और 17 × 2 = 34 होता है 2,
पावर में तीन छीन लिए कितना दू, तो बच गया अकेला एम। पावर में तीन छीन लिए दू, बच गया अकेला कितना एम, है ना। इसके पास तो बेचारा के पास कुछ बचा नहीं, तो प्लस का वन रहेगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। अब 11 नंबर चुमान गिरा के क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा इसका। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है 6x स्क्वायर ब्रैकेट में है x माइनस जेड प्लस 2 इंटू एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसको ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, देखो 11 कैसे करेंगे हम लोग, आराम से कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा ब्रेक ब्राक कर दो ना, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखेगा। इसको लिखेंगे क्या चीज, हम लोग लिखेंगे 2 × 3 × x² लिख दिए इस टर्म को, और यहाँ पर x माइनस जेड लिख दिए प्लस का 2, और इसको स्क्वायर तो लिखेंगे x माइनस जेड इंटू x माइनस जेड। अब तुम लोग को आसान लगेगा देखने में, देखो दिखता है क्या क्या कॉमन, इसके पास 2, इसके पास भी 2, तो ले लिए हम लोग 2 कॉमन, ठीक है यहाँ तक। अब दोनों के पास क्या दिख रहा है, x माइनस जेड दोनों के पास है, तो x माइनस जेड ही ले लिए कॉमन। ऐसा करने के बाद छूट गया क्या, इसमें से छूट गया क्या, ध्यान से देखो 3x² छूट गया और क्या बच गया, प्लस का x माइनस जेड बच गया ना, इतना से बच गया, और यही तुम्हारा आंसर कहलाया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 ना, ये तो खत्म 11 तक ही था, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रिसॉल्व इनटू फैक्टर बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड मतलब हम लोग को एक ग्रुप में चयन करना है, चुनना है, उसके बाद इसको रिसॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है x² प्लस xy प्लस xz प्लस का yz, तो यहां पर हम लोग को सही अरेंज करना है, उसके बाद बनाना है x² एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्स दोनों के पास कॉमन ले सकते हैं, इसमें जेड जेड वाला इससे कॉमन ले सकते हैं, तो ये दोनों को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई को एक जगह रख लिए, प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड को एक जगह रख लिए। अब देखो इसमें से बेनिफिट क्या है, एक्स दोनों के पास कॉमन ले लिए, यहाँ से एक्स प्लस वाई बच गया, यहाँ दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लिए, जेड को कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, ये भी चीज हम लोग कॉमन ले लिए और बच गया यहाँ से एक्स प्लस जेड, क्योंकि फाइनल आंसर कल आया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसका सेकंड, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वह है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, ठीक है। अब देखो वही कॉमन वाला बात हम लोग सोचते हैं कि ऐसा चीज को एक जगह रखेंगे कि कॉमन लेने पर फिर से हम लोग को कॉमन निकल के आ सकता है, तो ये वाला और ये वाला जेड वाला है दिख रहा है दोनों के पास, एक्स वाई ये दोनों एक्स एक्स दोनों के पास है, ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम लोग, लेके देखते हैं एक्स प्लस एक्स वाई एक जगह, माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड एक जगह ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों के पास क्या था, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन ले लिए दोनों में से, यहां से बच गया एक्स प्लस का वाई, यही सेम टर्म यहां भी लिख देना एक्स प्लस का वाई, लिख दिया। अब भेदा लगाना इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स जेड पूरा जाएगा, तो माइनस के जेड से देखो माइनस प्लस माइनस वाई जेड पूरा गया, तो हम लोग कॉमन ले लिए एक्स प्लस वाई कॉमन, तो यहां से बच गया एक्स माइनस का जेड, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समाप्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 2a² प्लस 3ab माइनस का 2ac माइनस का 3bc, ये क्वेश्चन है इसका थर्ड। तो देखो यहां से ab तीन वाला पकड़ लिए, दो वाला पकड़ लेंगे एक साथ, तीन वाला 2a² और माइनस 2ac और प्लस 3ab माइनस 3bc, मतलब तीन वाला एक साथ, दो वाला एक साथ। अब देखो दोनों के पास 2 और दोनों के पास है 1, कॉमन लिए यहां से अकेला ए बच गया, और माइनस का यहां से क्या छीन लिए, 2a छीन लिए, तो बच गया c, क्लियर है। यही टर्म यहां भी लिख देना a माइनस का c। अब अपना भेदा लगाना है, a में क्या चीज से मल्टीप्लाई की, 3ab पुट जाए और प्लस का 3b से मल्टीप्लाई करके पुट गया, समझा कि नहीं समझा। देखो इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस भी पुट गया, 3bc भी पुट गया, पुट गया ना, तो ac दोनों के पास है, a माइनस c, ac नहीं, a माइनस c दोनों के पास है, यहां से बच गया 2a प्लस का 3b, और यही अपना फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है क्वेश्चन, कि ac² प्लस का बी प्लस का bc² प्लस का ए। अब ध्यान से देखना है, देखो ना सेम जात वाला स्क्वायर वाला इसके पास स्क्वायर वाला इसके साथ, हम एक साथ ले लेते हैं जैसा हमको ac² प्लस bc² एक जगह ले लिए और प्लस b प्लस एक जगह छोड़ दिए, ठीक है तक। अब दोनों के पास क्या तुम लोग को दिख रहा है, c² कॉमन दिख रहा है, यहां से a प्लस b, यही चीज यहां भी लिखती है a प्लस b, हम लोग को पुराना है a प्लस b ही पुराना है, और प्लस में पुराना था प्लस, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 जा a, ab जा वो b, है ना, मतलब b1 जा b, b जा, तो a प्लस b दोनों के पास, a प्लस b दोनों के पास था, कॉमन ले लिए, यहां से बच गया c² प्लस का 1, और ये अपना फाइनल आंसर कहलाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, ax y क्वेश्चन है, ax y प्लस का bc
एक्स वाई और माइनस का ए जेड और माइनस का बी सी जेड, मतलब बोले ना पहले भी कि एक जैसा जात वाला दिखा जहां जहां छोड़ देना पकड़ के एक्स वाई एक्स वाई इसके पास एक्स वाई एक्स वाई इसी को छोड़ देने पकड़ के यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं एक्स वाई को कॉमन ले लिए यहाँ से बच गया ए प्लस का यही टर्म यहाँ भी नोट कर देना ए प्लस का बी लिख देना इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का ए जेड पूरा जाएगा ए तो ऑलरेडी था जेड पुराना अभी निगेटिव में तो माइनस का जेड माइनस प्लस माइनस का पूर गया क्या चीज बी जेड अच्छा सी छूट गया यहाँ पे सी छूट गया हम लोग को देखो यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले लिए यहाँ पर बी सी होता बी सी यहाँ भी हम लोग को क्या लिखना है बी सी लिखना अब दिख रहा है ना सेम चीज ध्यान से देखेगा ये पर ये बात समझा ही नहीं समझा हम लोग छोड़ दिए थे यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले बी सी छूट गया था सी छूट गया था इसलिए यहाँ पर कुछ लुट गया था कुछ आंसर है ना यहाँ से हम लोग क्या कर दिए ए प्लस बी सी कॉमन ले लिए यहाँ से बच जाता है एक्स वाई और माइनस का जेड और यही फाइनल आंसर कहलाता है क्वेश्चन नंबर देखेंगे सिक्स इसके बाद एक और सेवन खत्म कहानी क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का है ए बी प्लस का है ए बी तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं लिखते एक्स स्क्वायर माइनस ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए माइनस प्लस माइनस बी एक्स प्लस का ए बी ठीक है अब देखो तुम लोग कॉमन लेने को ले सकते हो क्या चीज कॉमन लेने को क्या ले सकते हो दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हो यहाँ से बच जाता है एक्स माइनस का ए बच जाता समझ में आ रहा ना यहाँ से एक्स कॉमन लिए यहाँ से अकेला एक्स और माइनस ए बच गया यही टर्म यहाँ भी थोड़ा जगह छोड़ करके लिख देना लिख दिया अब इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेगी माइनस का बी एक्स हो गया तो माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए तो और माइनस माइनस प्लस भी हो गया ए मल्टीप्लाई बी ए बी भी हो गया यहाँ से हम लोग एक्स माइनस ए कॉमन ले लिए यहाँ से बच गया एक्स माइनस का बी और ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे सेवन तो सेवन नंबर क्वेश्चन के लिए जगह है पर्याप्त अभी तो लिखते हैं हम लोग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू माइनस का क्यू क्यू माइनस का पी क्यू सॉरी पी क्यू हाँ पी टू दी पावर क्यू अब यहां पर हम लोग कॉमन कैसे लेंगे तो देखो कैसे ले लेंगे ध्यान से देख लेना पी क्यू दोनों के पास हम लोग पी क्यू ही कॉमन लेके संतुष्ट कर लिए यहां से क्या बच जाएगा बोलो तो पी क्यू बच जाएगा प्लस का वन मजा नहीं आएगा इसे में ठीक है कॉमन दूसरा ले लेते हैं हम लोग ठीक से ठीक है कॉमन लेने में हम लोग कुछ सावधानी बरत लेंगे क्वेश्चन एक बार मिला लेना है सही है ना क्वेश्चन सही है तो कोई बात नहीं है आ जाएगा आंसर टेंशन नहीं लेना है अब देखो ये और ये इकट्ठा ले लेंगे तब भी बात बन सकता है देखो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू 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 एक जगह ले लिए हम लोगों के पास अब बच गया है क्या चीज प्लस का पी क्यू और माइनस का पी टू दी पावर क्यू अब ध्यान से देखो दोनों के पास क्या है Q स्क्वायर है लेने को कॉमन यहां से क्या बच जाएगा P स्क्वायर और माइनस यहां से क्या बच जाएगा ओनली Q बच गया अब यहां से ध्यान से तुम देखोगे यही टर्म यहां भी जगह छोड़ के लिख दिए P स्क्वायर माइनस का Q और भेजा लगाना है यहां पे ध्यान से देखना डिमांड में क्या है निगेटिव का डिमांड में निगेटिव पी पर पावर क्यू यानी पी से मल्टीप्लाई करने पे पी पर पावर क्यू तो पूर जाएगा लेकिन निगेटिव नहीं पूरेगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे पर पावर क्यू पुर जाएगा और माइनस माइनस प्लस पी क्यू पुर गया ना तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं अब देखो ये टर्म सेम है ना तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहां से क्या चीज पी स्क्वायर माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचा था क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी और यही अपना फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था अच्छा नहीं बोल सकते जब इसको कर लो नोट